बीते कुछ दिनों में यूरोप और अमेरिका के यूक्रेन के साथ कई ऐसे समझौते हुए जिनसे रूस की चिंता बढ़ गई है। लवीव में हुए समझौते के मुताबिक यूक्रेन को पोलैंड और लिथुआनिया से टैंक मिलने वाले हैं। पोलैंड और लिथुआनिया यूक्रेन को लेपर्ड टैंक देंगे। लेपर्ड टैंक की टॉप स्पीड 70 किलोमीटर प्रति घंटा है। फुल फ्यूलिंग के बाद इसकी रेंज 450 किलोमीटर है। ये टैंक स्मूथ बोर कैनन से 120 mm का राउंड फायर करता है। आईईडी, माइंस और एंटी टैंक फायर से इसको ज्यादा नुकसान नहीं होता है। लेकिन इससे पहले अमेरिका ने यूक्रेन को जूनी रॉकेट देने का ऐलान किया था। जूनी रॉकेट की लंबाई 77 इंच है, इसकी चौड़ाई 5 इंच है, रफ्तार 2599 किलोमीटर प्रति घंटा है, मारक क्षमता 8 किलोमीटर तक है। ये लेजर गाइडेड स्किल्ड रॉकेट है। अमेरिका यूक्रेन को चैलेंजर 2 टैंक भी देने पर विचार कर रहा है। चैलेंजर 2 की टॉप स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। फुल फ्यूलिंग के बाद इसकी रेंज 550 किलोमीटर है। चैलेंजर 2 टैंक 120 mm 55 कैलिबर लॉन्ग गन से इक्विप्ड है। अमेरिका यूक्रेन को पेट्रियॉट मिसाइल सिस्टम भी दे रहा है। पेट्रियॉट मिसाइल की रेंज 160 किलोमीटर तक है। पेट्रियॉट मिसाइलों को भी गिराया जा सकता है पेट्रियॉट सिस्टम के द्वारा। इसके अलावा ये ऐसे हथियार हैं जो यूक्रेन को लंबी दूरी तक मार करने की क्षमता दे रहे हैं और एडवांस तकनीक का फायदा भी इससे यूक्रेन को मिल रहा है। जैसे जैसे यूक्रेन को एडवांस्ड वेपन मिल रहे हैं, वैसे वैसे रूस के लिए युद्ध मुश्किल होता जा रहा है। इसीलिए रूस ने यूरोप पर टैक्टिकल न्यूक्लियर वॉरहेड चलाने की धमकी जारी कर दी है। रूस, अमेरिका और यूरोप की न्यूक्लियर घेरेबंदी कर चुका है और अब यूक्रेन पर बड़े अटैक की तैयारी है। ब्लैक सी में अचानक रूस के नेवल फ्लीट की गतिविधियां तेज हो गई। रूस के नोवोरोसियस्क नेवल बेस से फ्लीट ब्लैक सी पहुंच गई है। सेवास्तोपोल, क्रीमिया बेस पर भी नेवल फ्लीट की गतिविधियां तेज हो गई। रूस की नेवी तैनाती की एक और सैटेलाइट इमेज सामने आई है। इस तस्वीर में इवान ग्रेन क्लास का एक युद्धपोत और इसके पास रोपुचा क्लास के 3 युद्धपोत नजर आ रहे हैं। किलो क्लास की 2 इंप्रूव्ड सबमरीन डॉकयार्ड पर दिखाई दे रही हैं, साथ ही क्रेन शिप्स और दूसरे नेवी उपकरण दिखाई दे रहे हैं। ब्लैक सी में नेवी की बड़ी तैनाती और पुतिन के करीबी की सीधे टैक्टिकल न्यूक्लियर अटैक की धमकी, ये 2 संकेत यूरोप विनाश की ओर डरावना इशारा कर रहे हैं। रक्षा मामलों के जानकार ये मानते हैं कि न्यूक्लियर अटैक के लिए नेवल फ्लीट या सबमरीन सबसे उम्दा होते हैं। सबमरीन से किए गए न्यूक्लियर हमले को ट्रेस करने और मिसाइल को डिस्ट्रॉय करने के लिए समय कम मिलता है। इसीलिए आशंका गहरा गई है कि समंदर में रूस की बड़ी तैनाती का मतलब यूक्रेन पर मिसाइल वर्षा के साथ साथ यूरोप पर न्यूक्लियर अटैक भी हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।